अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। जब स्वास्थ्य विभाग की टीम आई तो कई लोगों ने घर बंद कर लिए, दरवाजे बंद कर लिए, बवाल तक हो गया। भैंसापाली गांव में आपका स्वागत है। ये 21वीं सदी के न्यू इंडिया का गांव है। देश ने तरक्की की, विज्ञान ने विकास किया, शिक्षा समृद्धि आगे बढ़ी, लेकिन बुंदेलखंड के इस इलाके में अब भी अज्ञानता का अंधकार है। अंधेरा इतना घना है कि टीके से अंधविश्वास का जिन्न आपको झांकता दिख जाएगा। बुंदेलखंड में ये हमीरपुर और जालौन जिले के बॉर्डर का भैंसापाली गांव है। ये गांव ऐसा है जहां से 3 बार स्वास्थ्य विभाग की टीम को गांव वालों ने खदेड़ दिया, ये कहकर कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। हम उसी गांव में पहुंचे हैं कि आखिर वैक्सीन को लेकर लोगों में इस भ्रम की स्थिति क्यों है, डर क्यों है, भय क्यों है। ज्यादातर लोग वैक्सीन से अब भी डर रहे हैं। लगभग 2500 से 3000 लोगों का ये गांव है और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद सिर्फ 38 लोगों ने अभी तक इस गांव में वैक्सीनेशन कराया है। संवाददाता कुमार अभिषेक जब इस गांव तक आए तो उनके सामने टीके पर अंधविश्वास की परतें खुलती चली गई। वो अवाक रह गए ये देखकर कि उनके गांव में आते ही खिड़कियां दरवाजे धड़ाधड़ बंद होने लगे। और ये पहली बार नहीं हुआ, जब भी स्वास्थ्य विभाग का दल यहाँ आया दहशत हदें तोड़ने लगी। जब मरने की कगार में थे तब कोई नहीं आया। हमारे यहाँ 13 आदमी मर चुके हैं। हमारे यहाँ 13 आदमी मर चुके हैं। नहीं, गरीब आदमी है, सो जाए तो आगे करा लो, नहीं करवाएंगे। फिर कहोगे सही है बंदा, कर ले डॉक्टर। जब बंदा कुछ खा रहा है वो कर रहा है, जब जांच करवा लूं है नहीं कुछ, तो क्या करेंगे? नहीं, 20 दिन पहले सही हो गया, बुखार सही हो गया, तब आप कुछ नहीं कर रहे। कैसे मालूम देंगे हम? मालूम फिर कैसे कह रहे हो किसी कुछ नहीं? नहीं, बुखार था, अब सही हो गया, 13 आदमी की डेथ हो गई। जी हाँ, ये करीब 10 दिन पुराना वीडियो है जब टीका लगाने आई टीम को गांव वालों ने भागने पर मजबूर कर दिया। और अब भी इस मामले में स्थिति नहीं बदली है। स्वास्थ्य विभाग की टीम के आने की खबर सुनते ही लाठी डंडे फरसे बाहर निकल आते हैं। हालात देखिए, गांव की आबादी है 3000, सिर्फ 38 लोगों ने टीके लगवाए। मुफ्त वैक्सीन मुहैया। पीएम मोदी का पैगाम है लोग टीके लगाएं। स्थानीय स्तर पर प्लानिंग और गवर्नेंस की जो भी कमियां हैं उन्हें तुरंत सुधारा जाना चाहिए। सीएम योगी का संदेश है टीका से ही सुरक्षा मिलेगी। देश के और दुनिया के लोगों को बचाने के लिए भारत ने जो 2 स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की हैं। सीएम हो या पीएम, इन अपीलों का असर हमीरपुर जिले के इस इलाके में तो कम से कम नहीं पहुंच पाई है। यहां के लोगों में तो अब भी टीके को लेकर आशंकाएं और सवाल है, भ्रम और अविश्वास है। आज तक की टीम एक गली से दूसरी गली, एक आंगन से दूसरा आंगन घूमती रही, हर तरफ भय और भ्रम दिखा। गांव की प्रधान एक महिला है, उन्होंने टीका लगवा लिया है, लेकिन बाकी लोग अब भी कहीं दूर खड़े हैं। कम हुआ है, करें लगवाएंगे हाँ। और ये बोल रहे थे भाई कोई भी दिक्कत नहीं है, हमने बताया था भाई सबको फॉलो किया था कि कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हमने भी लगवाया भाई आपके जो सदस्य हमने भी लगवाया, आपको अगर हम ना लगवाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। आप कह रहे तुम लोगों ने लगवा ली तो हम भी लगवा लेंगे, भाई आपको कोई स्वास्थ्य बिगड़ा नहीं गया तो हम भी लगवाएंगे। डर रहे हैं सर क्यों? अब ये जो मतलब ये है कि ये हालत मतलब हो जाए कि बवाल हो जाए, देती आदमी दिन में घमाना का ठीक है भाई, डर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन इस तैयारी में है कि टीका लगाने वाले को ही राशन कार्ड पर राशन की सुविधा दी जाए, लेकिन यहाँ के जमीनी हालात बता रहे हैं कि फिलहाल अंधविश्वास का बरगद हिलता नहीं दिख रहा। नाहिद अंसारी के साथ कुमार अभिषेक, हमीरपुर।